तब तक मेरे पास ये जो लाइट है ना चालू है, तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। अबे यार क्या हो रहा है यार, सही में जो कोई भी है, चुड़ैल है, भूत है, कुछ भी है, कुछ भी आत्मा है, ऐसे मत कर यार, मैं क्या बिगाड़ा हूँ तेरा। कुछ ना कुछ है गाइस यहाँ, पता है, यहाँ को फालतू में नहीं लेना चाहिए था मेरे को, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। अभी ना गाइस मेरे सामने से कुछ गुजरा, पता है, अभी गुजरा, और वो चीज़ को ना जो भी होगा देखा जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं एडवेंचर ब्रोस आ गया हूँ भाई, अब लोगों लेके नया व्लॉग लेके। आज का प्लान है भाई, आज है एक हॉन्टेड लोकेशन, वहाँ जाना है। और एक्चुअली में मेरे को बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि भाई अकेले व्लॉग नहीं करते हो आप, हॉन्टेड जो लोकेशन रहती है वहाँ पे आप लोग आप नहीं जाते हो, अकेले नहीं जाते हो, दो चार बंदे लेके जाते हो, तो वहाँ पे भूत कहाँ से आएगा, ये सब दुनिया भर का हो रहा है भाई, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये है कि आज ना भाई फाइनली मैंने दम कर लिया है और जाऊँगा मैं। एक्चुअल में डर भूत का नहीं लगता भाई, एक्चुअल में ना वो थोड़ा रहता है यार, थोड़ा मालूम कि कोई अननोन पर्सन कोई मिल गया है ना, तो दुनिया भर का टेंशन रहता है यार। अकेले बंदा सुपरमैन तो नहीं हो कि मार वार दूंगा, है ना, ऐसा सिस्टम है। एक लोकेशन है, बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ उसकी जल्दी जल्दी, क्योंकि निकलते हैं और अभी 12 बजने वाले हैं भाई। देख सकते हो रोड में ना कोई नहीं है, पता है अभी कुत्ते भौंक रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पे काला कलर के कुत्ता भी खड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो एक्चुअल में आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ मैं, तो स्टोरी सुनो यार। अंबिकापुर के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है बलरामपुर करके। तो एक्चुअल में ये होता है कि बलरामपुर में एक कपल रहते हैं, जो आज से 2016-17 तीन चार साल पहले की बात है। तो एक कपल जो रहते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक लड़का और लड़की। तो होता क्या है कि वो लड़के उस जो लड़की की जो घर वाले रहते हैं ना, उसको पता चल जाता है, उनके घर वालों को पता चल जाता है कि लड़के और लड़की का मतलब थोड़ा बहुत रिश्ता उश्ता है, तो दूसरे जगह कर देते हैं। तो लड़की का शादी होता है और 6-7 दिन तक वो अपने ससुराल में जिस लड़के से शादी हुई रहती है उसके पास रहती है। फिर उसके बाद जो लड़का जो रहता है ना, जो उससे प्यार करता है, वो वाला लड़की को बोलता है कि फ़ोन कर कि आप किसी भी बहाने से अपने मायके आओ, मतलब घर आओ, और यहाँ से मैं आपको उठा के लेके जाऊँगा, है ना। तो लड़की किसी भी बहाने से अपने मायके आ जाती है। तो लड़का जो है लड़की को ले जाता है, जो उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है उसको भगा के ले जाता है। फिर लड़की के घर वाले बहुत ढूंढते हैं 3-4 दिनों तक कि कहाँ गया, कैसे गया लड़की लड़का, है ना, कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं, है ना। तो उसके बाद 3-4 दिनों के बाद ऐसा होता है कि अचानक से पता चलता है कि जंगल में दोनों जन की बॉडी मिलती है, और बॉडी बहुत ही खतरनाक स्थिति में रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सड़ गई रहती है, मतलब उन लोगों की जो लाश रहती है ना बहुत ज़्यादा सड़ गई रहती है, बलरामपुर के ही जंगल में वो सड़ी पड़ रहती है। तो ये स्टोरी है। और पता चलता है वो, फिर उसके घर वालों को जब पता चलता है ना, तो उसके घर वाले वहाँ जाते हैं और देखते हैं, तो उसके बॉडी को जो भी है ले आते हैं वहाँ से। तो उसके बाद स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है कि जो कपल वहाँ पे सुसाइड किए थे, मर गए थे ना, उन लोगों का जो बॉडी है अभी तक वहाँ पे है, मतलब अभी तक उन लोगों का जो है आत्मा वहाँ पे भटक रहा है। और जो भी पर्सन वहाँ पे जाता है ना, उस रोड से गुजरता है, उसको वो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़, या फिर कई जने को बाइक से धक्का मार देना, उस जंगल में बहुत सारी दिन में भी आवाज़ आती है, इस टाइप का बहुत ही सारा इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं सुबह सुबह गया था तो भाई मतलब उसके बारे में सुना नहीं यार, रियली यार, मतलब मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा भी होता है। तो भाई एक्चुअल में यह है, कहानी बहुत ही खतरनाक है, और इस जगह में हम लोग जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं अभी अंबिकापुर में हूँ और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पड़ने वाला है, तो चलते हैं यार, जो भी है जैसा भी है। सो गाइस देखो यार, अभी आगे पीछे कोई नहीं है यार, पूरा स्कैरी रोड है, और यहाँ से ना भाई अभी मैं 5 किलोमीटर लगभग आ चुका हूँ, पता है, और अभी तक कुछ भी गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये पता नहीं भैया साइकिल वाले अभी यहाँ जा रहे हैं, और इधर से और अंधेरा हो गया है। सो फाइनली गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ बलरामपुर, और अभी मैंने लाइट को रख दिया नीचे, क्योंकि मेरे को पकड़ते नहीं बन रहा था और आप लोगों को बताते नहीं बन रहा था, तो एक जुगाड़ जमाया हूँ। एक्चुअली मैं ये लोकेशन जो है, अभी मैं एक मंदिर है, देख सकते हो उधर साइड, ये लाइट जो जल रहा है सामने, ये वाली लाइट जो जल रही है, ये वाली सामने मंदिर है,
और अभी कुत्ते उत्ते लोगों को भौंकने की आवाज़ आ रही है, लिटरली मेरे को डर लग रहा है, थोड़ी सी हंसी आ रही है क्योंकि डर डर यार डर होता है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वाली जो रोड है ना यार, ये सीधा वो जाएगी जंगल की ओर, है ना, और वहीं हुआ था सुसाइड जो जो भी हुआ था, है ना। अभी गाड़ी आ रही है, एक मिनट, ट्रक है यार। अभी मैं मेन रोड की साइड में हूँ जस्ट, और ये वाली रास्ता जंगल को जाती है ना। सो गाइस लेट्स सी, देखते हैं जो भी होता है अंदर जाके। सो गाइस तो अभी मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन में, और यहां पे है एक पुल, देख सकते हो ये वाला पुल है। यहां पे लाइट मैंने लगा दी है ताकि आपको दिखे, एक ये वाली लाइट लेके आया हूं मैं और एक ये वाली लाइट, तो ये दोनों अच्छे से दिख पाएगा इससे। सो गाइस अभी देख सकते हो यार, ये वाला ना जंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बड़ा सा पेड़ है यहाँ पे, और इधर पूरा हल्का सा रास्ता है सामने, देख सकते हो ये, और आगे तक बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और हल्का सा धुंधला धुंधला सा है क्योंकि आज सुबह ना हल्की सी बारिश हुई थी। और देखो ये पूरा पेड़ पेड़ जंगल टाइप सा पूरा है ना, जितना ही दूर जाओगे ना उतना ही पेड़ मिलते जाएगा। सो ये रास्ता बहुत डरावना सा लग रहा है, पता है, ये देखो ये यहाँ पे क्या क्या है, ओह माय गॉड ये क्या चीज़ है यार। सो देख सकते हो गाइस आप लोग कि कुछ चिड़िया का आवाज़ आ रहा है बहुत भयानक टाइप से। ये देखो यार इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और अभी आप लोगों को बता दूंगा इसकी अचानक भयानक से ना ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, धुआं भी आ रहा है मेरे मुँह से हल्का सा, और चिड़िया उड़िया की आवाज़ आ रही है ना हल्की सी, मेरे को डर सी लग रही है क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी अकेले नहीं आया हूँ भाई। अभी आप लोगों को जो जगह लेके चलूँगा ना मैं, जो सुसाइड पॉइंट जो जहाँ पे हुआ था वो कांड, अभी मैं लेके चलूँगा, वो सामने है, कुछ ही दूर में है, ज़्यादा अंदर नहीं है। इधर ना थोड़ा सा स्कैरी सा लग रहा है, बहुत ख़तरनाक ही टाइप सा लग रहा है, और थोड़ा देख सकते हो चिड़िया उड़िया का आवाज़ आ रहा है, अजीब ही टाइप का लग रहा है यार, पता नहीं। और ऐसा मेरे साथ अजीब टाइप सी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, अजीब ही टाइप की लग रही, पता है। सो गाइस अभी हम लोग जिस लोकेशन में हम लोगों को पहुंचना था फाइनली उस लोकेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ भी एक रास्ता मिलता है गाइस। देखो ये पता नहीं किधर से आया हुआ ये रास्ता गाइस, आपको बता दूँ ये हल्का सा खाई सा हो चुका है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पूरा है ना, और ये वो पेड़ था है ना जहाँ पे वो लोग सुसाइड किए थे, दो पेड़ हैं यहाँ पे। अगर आप लोग स्टोरी में जाके देखोगे उसका रियल कहानी तो आपको मिल जाएगा। और ये था, देखो यहाँ पे कुछ कुछ छवि भी है, ये देख सकते हो है ना, ओह माय गॉड देख सकते हो गाइस, पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बड़ा सा पेड़ है। सो यहाँ पे देखो गाइस, ये क्या है यार, माय गॉड ये जो किसी चीज़ का बाल वाल टाइप का लग रहा है, पता है वो। और ये पूरा आपको बता दूँ ना पूरा गड्ढा है मालूम, ये जो सामने जो दिख रहा है ना पूरा गड्ढा है। तो यार अभी ना पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है यार, अभी ना अचानक से मेरा कैमरा बंद हो गया था और यहाँ पे अचानक से आवाज़ आ रही थी बहुत ख़तरनाक टाइप से, जो एकदम गाइस अभी सुने आप लोग सेम यही है, पता नहीं कोई जानवर का है ये क्या का है, मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है। और मैं अभी एग्जैक्ट वही लोकेशन में खड़ा हूँ जहाँ पे वो कांड हुआ था यहाँ पे, और अबे क्या है पे? कौन है कौन है अबे कौन है बे? जानवर तो नहीं है, कौन है कौन है? ओए कौन है यार कौन है यार? अबे सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा यार, कौन है अबे कौन है? कौन है बे? कौन कौन है बे?
ओए कौन है? ओए क्या चीज? अबे कौन है बे? पता नहीं गाइस मेरे साथ क्या हो रहा है यार, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कौन है यार, कौन है यार, कोई है गाइस पता है? ओए 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 क्या चीज है यार ये? ओ माय गॉड, अबे यार क्या हो रहा है गाइस यार मेरे साथ, यार कसम से यार क्या हो रहा है यार, अकेले नहीं आना चाहिए यार पता है, इतना खतरनाक टाइप से क्या क्या हो रहा है यार, ये क्या क्या हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है यार, मेरे को सामने का रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है पता नहीं यार, दो जने हैं यार कोई ना कोई पता है, कौन है बे? अबे कौन है, कौन है यार? ओए ओए कौन है बे? अरे यार अभी ना पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है यार, जब तक मेरे पास ये जो लाइट है ना चालू है तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, और जैसे ही इधर उधर होता है ना लाइट यार इधर उधर से आवाज़ आता है बहुत खतरनाक टाइप से, और अभी मैं भागते भागते चुपचाप बैठ गया भाई यहाँ पे, बहुत खतरनाक टाइप से कुछ ना कुछ आ रहा है यार, बहुत ही अजीब ही टाइप क्या यार, क्या क्या चीज़ है पता ही नहीं है, दो चीज़ें देखो गाइस क्या कौन है बे? ओए कौन है बे? गाइस यार कौन है यार, बहुत खतरा टाइप से आवाज आ रहा है भाई। ओह क्या बताऊं यार, बहुत दिमाग खराब यार, मैं फालतू आया यार यहाँ पे। ओए ओए तू कोई भी है देख सामने ना है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओए कौन है? ओए बता रहा हूँ सामने ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओए कौन क्या है? ओए कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार पता है, और क्या क्या आवाज़ आ रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा साला, क्या हो रहा है साला। ओए बहुत सारा क्या क्या आवाज आ रहा है यार, अबे यार क्या हो रहा है यार सही में, मेरे को रास्ता भी नहीं मिल रहा है पता है। ओए क्या चीज है बे? साला दिमाग खराब हो रखा है। अबे यार ओए तो जो कोई भी है, चुड़ैल है, भूत है, कुछ भी है, कुछ भी आत्मा है, ऐसे मत कर यार, मैं क्या बिगाड़ रहा हूं तेरा। ओए दिमाग खराब मत कर तू। ओए ओ सामने मत आना तू, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ए यार मैं क्या करूं यार सही में, ओए मां कसम यार मर जाएगा आदमी यार सही में, कुछ ना कुछ है गाइस यहाँ पता है, यहाँ को फालतू में नहीं लेना चाहिए था मेरे को, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, बहुत दिमाग खराब हो गया यार इधर उधर भागते भागते पता है, लाइट वाइट कुछ भी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा लाइट रोशनी ख़त्म हो जा रहा है, और जैसी लाइट की रोशनी कम होने की ऐसी होती है ना भाई आवाज़ आता है यार पता है, अभी ना गाइस मेरे सामने से कुछ गुजरा पता है, अभी गुजरा और वो चीज़ को ना जो भी होगा देखा जाएगा, अभी देखते हैं वो चीज़ को, इधर ही सामने से कुछ गया है
और बहुत ही खतरनाक टाइप से आवाज़ कर रही है वो, पता है बहुत ही खतरनाक टाइप से कुछ आवाज़ कर रही है। यहीं पे कुछ, यहीं आमने सामने में कुछ है यार, पता है यहीं पीछे तरफ देख रहा था मैं, कुछ ना कुछ है वो, पता है। ए, क्या है ओए, ये है भूत। और ये है भैया भूतियों की टीम, ये भूतों की टीम। ओ भाई ये है पूरा टीम, आप पूरा देखो भाई, ये है पूरा टीम। सो भाई कैसे लगा मेरा एक्टिंग बता रहा यार, पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश किया बहुत। मेरी लड़की वाला जो भूतनिया वाला आवाज आ रहा था ना, इसी का था, इसी का था, जानवर वाला आवाज इसी का था भाई। सच्ची बताना यार कमेंट करके कि ये वीडियो रियल लगा या फेक लगा, सही बताना किसके, इसको पहले से पता चल गया था कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, कुछ भी है बताना, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ हम लोग एक मजाक मजाक सोच लो ऐसे ही हम लोग बनाए थे, क्योंकि भाई बहुत जने रहते हैं जो ऐसी कर करके बहुत ऊपर चले जा रहे हैं ना, ये सब के लिए बनाए थे हम लोग। और पहली बात तो ये कि हम लोग हॉन्टेड ब्लॉग करते हैं भाई, वो रियल करते हैं, ठीक है ना, और ये सब फालतू चीज़ है, कुछ भूत वूत होता नहीं है, कैसे भाई। ये सिर्फ हम लोग एक रिएक्शन है ना कि क्या होता है पब्लिक का, ये लोग जाते हैं हर हॉन्टेड लोकेशन में और दम के साथ जाते हैं, कुछ नहीं आता है वहाँ से, कुछ नहीं आता रिएक्शन, तो हम लोग सोचे कि इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए माहौल को, तो बस ये किए थे। और किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, कैसे भाई लेकिन भी रवि का फटी पड़ी थी रियली बात, फटी नहीं पड़ी थी भाई, है ना, वो रिएक्शन था। और भाई सपोर्ट करो यार एडवेंचर ब्रोस, अभी बहुत बड़े बड़े हॉन्टेड प्लेस में जाने वाले हैं, कैसे भाई, एकदम बहुत खतरनाक और रियल कॉन्टेंट आएगा भाई, ऐसा है नहीं कि वो ये वो, है ना। लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और टिकटॉक में फॉलो कर लेना भाई, टिकटॉक में आ गया हूँ, ठीक है, बाय।